उपचुनावों में मिली करारी हार से बौखलाई समाजवादी पार्टी, जिसको मैं अभी वो अपनी उनको मैं शोक संवेदना भी देना चाहता हूं, वो इस कदर बौखलाए हैं कि संभल में या प्रदेश के किसी और शहर में दंगा फैलाने वालों का समर्थन कर रहे हैं। ये जो संभल में उपद्रव हो रहा है, इसके पीछे समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन से मैं मांग करना चाहता हूं कि संभल कल्कि भगवान की अवतरण स्थली है, 24 कोस की परिधि में भगवान अवतार लेंगे, ये पुराणों में लिखा है। संभल बहुत शांतिप्रिय और बहुत ही मोहब्बत का स्थान है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ नेता संभल को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि संभल को जो लोग दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और ये देश एक इतना बड़ा विराट लोकतंत्र है, बहुत विराट लोकतंत्र है, इसमें एक न्यायपालिका है। मैं संभल की जनता से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो न्यायपालिका पर भरोसा रखें। भारत में न्यायपालिका बहुत सशक्त है, कोर्ट के आर्डर का सम्मान करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज बनता है। कोर्ट जो आदेश देगा उसके अकॉर्डिंगली आगे सबको उसकी बात को मानना पड़ेगा, कोर्ट के फैसले को मानना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने आप को कोर्ट से ऊपर समझते हैं, उन सब लोगों को समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के रहते हुए कोई भी दंगाई, कोई उपद्रवी, कोई बड़े से बड़ा नेता, कोई माफिया बच नहीं पाएगा। उपचुनावों में मिली करारी हार से बौखलाई समाजवादी पार्टी, जिसको मैं अभी वो अपनी उनको मैं शोक संवेदना भी देना चाहता हूं, वो इस कदर बौखलाए हैं कि संभल में या प्रदेश के किसी और शहर में दंगा फैलाने वालों का समर्थन कर रहे हैं। ये जो संभल में उपद्रव हो रहा है, इसके पीछे समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन से मैं मांग करना चाहता हूं कि संभल कल्कि भगवान की अवतरण स्थली है, 24 कोस की परिधि में भगवान अवतार लेंगे, ये पुराणों में लिखा है। संभल बहुत शांतिप्रिय और बहुत ही मोहब्बत का स्थान है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ नेता संभल को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि संभल को जो लोग दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और ये देश एक इतना बड़ा विराट लोकतंत्र है, बहुत विराट लोकतंत्र है, इसमें एक न्यायपालिका है। मैं संभल की जनता से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो न्यायपालिका पर भरोसा रखें। भारत में न्यायपालिका बहुत सशक्त है, कोर्ट के आर्डर का सम्मान करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज बनता है। कोर्ट जो आदेश देगा उसके अकॉर्डिंगली आगे सबको उसकी बात को मानना पड़ेगा, कोर्ट के फैसले को मानना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने आप को कोर्ट से ऊपर समझते हैं, उन सब लोगों को समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के रहते हुए कोई भी दंगाई, कोई उपद्रवी,
कोई बड़े से बड़ा नेता, कोई माफिया बच नहीं पाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।